शायन हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसे संगीतकार के जीवन की गाथा, जीवन के बारे में, जिनका नाम आपने सुना ही है और वो संगीत के देवता हैं, जिनका नाम है तानसेन। भारत में ऐसा कौन इंसान है, कौन व्यक्ति है जिसने तानसेन का नाम नहीं सुना। उनकी मृत्यु लगभग 750 वर्ष पहले हो चुकी है, किंतु ऐसा लगता है कि मानो वो अभी अभी हमारे बीच से गए हैं। तानसेन के का असली नाम तन्ना मिश्र था। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे, कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते थे। उनकी जन्मतिथि के विषय में कई मत हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट गाँव में हुआ था। जन्म के विषय में कई सारे विचार और किंवदंतियां हैं। बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे, वो बहुत चिंतित रहा करते थे। कहते हैं कि मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे तन्ना नाम से पुकारा गया। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका लालन पालन पोषण बड़े प्यार से किया गया। फलस्वरूप अपनी बाल्यावस्था में वे काफ़ी उद्दंड और नटखट रहे हैं। बचपन से ही दूसरों की नकल करने की विलक्षण प्रतिभा थी। तानसेन में बालक तन्ना पशु पक्षियों की विभिन्न बोलियों की सच्ची नकल कर लेते थे और नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुओं, खासतौर शेर की बोली बोलकर लोगों को डराया भी करते थे। एक बार स्वामी हरिदास अपनी मंडली के साथ गांव से गुजर रहे थे। लगभग तन्ना ने पेड़ की आड़ में छुपकर शेर की दहाड़ मारी और उन्हें डराने लगे। साधु मंडली पहले घबराई, थोड़ी देर बाद तानसेन उनके सामने आकर खड़े हो गए। 2-3 शिष्यों ने स्वामी जी के सामने उस बच्चे को पेश कर दिया। स्वामी हरदास ने उनकी प्राकृतिक प्रतिभा देखी और बहुत प्रभावित हुए। उनके पिता से तानसेन को संगीत सिखाने की मांग भी करने लगे और उन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए। इस तरह से तानसेन की संगीत शिक्षा का प्रारंभ सफर शुरू हुआ। स्वामी हरिदास के पास तानसेन पहुँचे और उनके साथ रहने लगे। 10 वर्षों तक वहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अपने पिता की अस्वस्थता को सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। मरने के पूर्व पिता ने कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ है, तुम कभी भी उनकी आज्ञा का अवहेलना न करना। कुछ दिनों बाद हरिदास की स्वीकृति से तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास रहने चले गए। वहाँ ग्वालियर की विधवा रानी मृगनैनी गायन सुनने के लिए मंदिर कभी कभी मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ उनकी दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अतः रानी मृगनैनी ने तानसेन की शादी हुसैनी से करा दी। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन, विलास खान और सरस्वती नाम की एक पुत्री। जब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए तो रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें अपने यहाँ राज गायक नियुक्त कर लिया। महाराज रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। अकबर सम्राट ने तानसेन को उनके संगीत से प्रभावित होकर अपने यहाँ बुलाया। महाराज रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अकबर संगीत का महान प्रेमी था, वह तानसेन को पाकर बहुत प्रसन्न रहने लगे और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अकबर तानसेन को मानने लगे और फलस्वरूप गायक दरबार के अन्य गायक उनसे जलने लगे। उन लोगों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और देखा जाए कि दीपक राग में कितनी शक्ति है, तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। ये बात बादशाह के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तानसेन से दीपक राग गाने को कहा। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, किंतु बादशाह ने एक न मानी। अतः तानसेन को राग दीपक गानी पड़ी। गाते गाते गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। श्रोतागण गर्मी के मारे भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उनकी गर्मी केवल मेघ राग से समाप्त हो सकती थी। तब तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर अपने पिता के जीवन की रक्षा की। इस प्रकार तानसेन के जीवन की रक्षा हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत में इतनी शक्ति है। बाद में बादशाह को अपनी हट पर बहुत पश्चाताप हुआ। बैजू बावरा तानसेन के ही समकालीन थे। कहा जाता है कि दोनों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार हुई। इससे पहले तानसेन ने घोषणा कर दी थी कि उनके अतिरिक्त राज में कोई व्यक्ति गाना ना गाए, जो गाएगा तानसेन की उनके साथ प्रतियोगिता भी होगी। प्रतियोगिता में जो हारेगा उसे उसी समय मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई, क्योंकि कोई गायक हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने तानसेन को परास्त किया। शर्त के अनुसार तानसेन को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, किंतु बैजू बावरा ने उन्हें क्षमा करके विशाल हृदय का परिचय दिया।
तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस पर भी विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ का कहना है कि गुलाम गौस की आज्ञा से वो मुसलमान हो गए, कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से विवाह करने के लिए मुसलमान हो गए, कुछ का मत है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं, उसने फ़कीर गुलाम गौस की स्मृति में नवीन रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ लिया, जैसे मियाँ मल्हार आदि। सन 1585 में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हुई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उनकी समाधि बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन आयोजित करके महान गायक को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो तानसेन का जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अमीर खुसरो के जीवन के ऊपर बात करेंगे उसके बाद पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की कौन है ये, क्या है, संगीत से क्या है इनका रिश्ता। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस संगीत शिक्षा इन हिंदी।